फ्रेंड, हम आपको आज कंप्यूटर के पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे ट्रिपल सी हो गया। ट्रिपल सी में तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पास कराने में बहुत ही हेल्प रहेंगे। इसके अलावा आप कंप्यूटर कहीं पे भी सीखेंगे तो आपके लिए ये बेस्ट पॉइंट हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइन स्पेसिंग की। अगर हमें कहीं पे भी लाइन में स्पेस देना है तो क्या करेंगे, वहाँ पे किन कंट्रोल की का यूज करके हम वहाँ पे लाइन स्पेसिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले लाइन स्पेसिंग की जरूरत क्यों पड़ी, तो जहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम जब छोटे होते थे तो क्या करते थे, लाइन को छोड़ छोड़ के लिखते थे। ऐसे यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अगर लाइन में स्पेस देना है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जल्दी से या क्विकली हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की का यूज करके हम लाइन में स्पेस दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की। तो लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+1 से हम क्या कर सकते हैं, लाइन में एक लाइन का स्पेस दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे Ctrl+2 से हम क्या कर सकते हैं, दो लाइन का स्पेस दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे Ctrl+5 से 1.5 इंच का हम स्पेस दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फॉन्ट स्टाइल की। फॉन्ट स्टाइल जो होता है, कई प्रकार के फॉन्ट स्टाइल होते हैं। अलग अलग डिजाइन के फॉन्ट स्टाइल को यूज करने के लिए हम Alt+Ctrl+Shift+S का यूज करके फॉन्ट साइज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फाइंड की। अगर हमें एक लेटर है उस पर अगर कोई वर्ड हमें ढूंढना हुआ है तो हम क्या करेंगे, Ctrl+F का यूज करेंगे। F का यूज करते ही एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा, जिस भी वर्ड को हमें फाइंड करना होगा या सर्च करना होगा हम उस वर्ड को उसमें लिख देंगे, टाइप कर देंगे। इसके बाद इंटर करेंगे, जहां भी वो वर्ड होगा उस पे क्या होगा, एक हाईलाइट होके साइन हो जाएगा कि ये फाइंड है, ये वर्ड को ढूंढा गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रिप्लेस की। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। अगर कोई भी वर्ड हमें रिप्लेस करना है, गलती से वहां पे मेंशन हो गया है, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, Ctrl+H का यूज करेंगे। जब Ctrl+H हम शॉर्टकट की यूज करेंगे तो वहां पे भी एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग्स बॉक्स में एक जगह रिप्लेस होगा और एक जगह वो वर्ड होगा जिस जगह हम रिप्लेस का यूज करेंगे। अब जैसे बात करते हैं हमें मॉनिटर की जगह कंप्यूटर डालना है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करने के लिए हम मॉनिटर को क्या करेंगे, मॉनिटर वहां पे टाइप करेंगे। इसके बाद इंटर करेंगे, जहां पे भी हमारा कंप्यूटर शब्द होगा वहां पे हमारा रिप्लेस होके मॉनिटर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक की बात करते हैं, अगर वहां कहीं पे भी हमें अगर पेज को ब्रेक करना है तो उसकी शॉर्टकट की Ctrl+Enter होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं गो टू की। गो टू की बात करते हैं, गो टू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+G। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की बात करते हैं, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है Ctrl+K। जैसे ही हम Ctrl+K यूज करेंगे हाइपरलिंक का ऑप्शन खुल जाएगा, हम वहां से हाइपरलिंक लगा सकते हैं। हाइपरलिंक का बाय डिफॉल्ट कलर कैसा होता है, ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। जैसे ही हम सरकारी रिजल्ट को ओपन करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे ब्लू कलर के वहां पे वर्ड या लाइन लिखे होंगे, तो उस पे क्या है, हाइपरलिंक लगा होगा। जैसे ही हम उस लाइन को क्लिक करेंगे तो उस क्लिक करने के माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे तो उसमें हैंड का एरो बन के आएगा और उसको हम जब क्लिक करेंगे तो वो कुछ नेक्स्ट दूसरा पेज को ओपन कर देगा। इसी प्रकार से हम हाइपरलिंक को एक वर्ड पे लगा सकते हैं, एक वर्ड पे लगा सकते हैं, एक लाइन पे लगा सकते हैं और एक पेज पे लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक को कई तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं टेबल इन एमएस वर्ड। अगर एमएस वर्ड में टेबल को जनरेट करना है या टेबल उसमें होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, टेबल में देखते हैं वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं, दूसरी कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं Ctrl Alt+
इंटर, अल्ट प्लस इंटर से हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट का जो शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी होता है, इस प्रकार से कॉपीराइट का एक चिन्ह आ जाएगा या मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेज मार्जिन की। जो पेज मार्जिन होता है, पेज में मार्जिन देते हैं, इससे क्या है, अब पेज मार्जिन हमारा टॉप मार्जिन होता है, बॉटम मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन होता है और राइट मार्जिन होता है। अगर टॉप मार्जिन की बात करें तो इसमें 1 इंच होता है, और बॉटम की बात करें तो 1 इंच, लेफ्ट की बात करें तो 1.25 इंच होता है, अगर राइट की बात करें तो 1.25 इंच होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पेज में मार्जिन देते हैं जैसे हमें उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसके अलावा भी एक मार्जिन होता है, उसको हम लोग गटर मार्जिन के नाम से जानते हैं। गटर मार्जिन का यूज हम लोग, गटर मार्जिन हम लोग वाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह गटर मार्जिन कहा जाता है। जो गटर मार्जिन होता है वाइंडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं गटर मार्जिन। जैसे हम कोई डायरी बनवाते हैं तो उसमें क्या है, गटर मार्जिन कहाँ दिया जाता है, या तो लेफ्ट में दिया जाता है, या तो लेफ्ट में दिया जाता है, या तो फिर टॉप पे दिया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं पेज। जो पेज होता है वो 2 तरीके से होता है, एक तो प्रोट्रेट मोड में होता है पेज होता है, इस प्रकार से लंबा सा पेज होता है, एक लैंडस्केप मोड होता है जो लंबाई में होता है। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं पेज लेआउट। जो पेज लेआउट होता है ये बाय डिफॉल्ट रूप से जो प्रिंट होता है वो लेआउट व्यू पे होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं जूम। जूम देखते हैं, जूम हम कितना कर सकते हैं, मिनिमम 10% कर सकते हैं और मैक्सिमम 500% कर सकते हैं, और इसका जो बाय डिफॉल्ट होता है वो 100% होता है। इसी प्रकार से हम जूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं फुटर नोट की। किसकी बात करते हैं, फुटर की बात करते हैं। ये फुटर कहाँ पे यूज किया जाता है, ये पेज के नीचे यूज किया जाता है फुटर। इसमें लिखा हुआ है पॉइंट में, डॉक्यूमेंट के सभी पेजों के नीचे फुटर इंसर्ट होता है। जो फुटर होता है वो पेज के नीचे इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फुट नोट की। फुट नोट और फुटर में अंतर है। फुट नोट क्या होता है, डॉक्यूमेंट के एक्टिव पेज या वर्तमान पेज पर ही फुट नोट इंसर्ट होगा। जैसे कोई पेज है एक्टिव है तो उसमें क्या करेंगे, हम फुट नोट का यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एंड नोट की। एंड नोट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में एंड नोट इंसर्ट होता है या किया जाता है। जैसे कोई एक फाइल है उसके लास्ट में हम क्या करेंगे, एंड नोट लगाते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट नोट की। नेक्स्ट नोट, इसका यूज वर्तमान डॉक्यूमेंट के अनेक कई फुट नोट डालने के लिए किया जाता है। जैसे आप नेक्स्ट ये देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, नेक्स्ट या कई सारे हम नोट्स डाल सकते हैं नेक्स्ट फुट नोट में। इस प्रकार से हमने आपको कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन और पॉइंट्स के बारे में बताया है, जो कि आपकी एग्जाम के लिए और UPPCL के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।